हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 5G स्टडी। आज की वीडियो में हम ज्योमेट्री का थर्ड चैप्टर सर्कल पढ़ने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से। सर्कल जो है मेंस, हम अगर इसे देखें तो ऐसा कुछ गोल शेप रहता है सर्कल का। ये जो है हमें हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है। सर्कल में हमारे पास क्या क्या होता है? टेंजेंट होता है, रेडियस, सेक्टर, डायमीटर, आर्क होता है, कॉर्ड, सेगमेंट एंड सर्कमफ्रेंस होता है। पहले हम एक एक बार समझ लेते हैं टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट जो होता है वो जो है सर्कल को किसी एक पॉइंट पे एक्सटर्नली कट करता है। मीन्स वो एक ही पॉइंट पे, जैसे अगर हम यहाँ पॉइंट ले लेते हैं तो हमारा जो टेंजेंट रहेगा वो मीन्स जैसे ये पॉइंट है तो इस पे से कट करता हुआ जाएगा। वो जो है सर्कल के अंदर नहीं, वो एक्सटर्नली कट करेगा। फिर देखते हैं रेडियस। रेडियस क्या होता है? रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर की क्या प्रॉपर्टी होती है? डायमीटर जो रहता है वो सर्कल को एग्जैक्ट हाफ पार्ट में कट करता है। मीन्स अगर हम लोग यहाँ एक ऐसा डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं तो इसकी डायमीटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो है वो सर्कल को एग्जैक्ट हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। मीन्स जितना इसका एरिया रहेगा उतना ही, मीन्स अगर हम इसे वन एंड टू करके नेमिंग कर देते हैं तो जितना वन का रहेगा एरिया उतना ही सेकेंड पार्ट का भी रहेगा। उसके बाद देख लेते हैं कॉर्ड। कॉर्ड जो होता है वो कहीं पे भी सर्कल के जो ड्रॉ किया जा सकता है। जो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो क्या होता है? उसका डायमीटर होता है। उसके बाद आर्क रहता है। आर्क में भी दो आर्क होते हैं, एक मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। जैसे अगर हम इसे नेमिंग कर लेते हैं एज अ ABCD की, हमने इसे AB की नेमिंग कर ली तो हमारा AB क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा माइनर आर्क। माइनर आर्क मीन्स छोटा। एंड जैसे इसे बी और सी नेमिंग कर लेते हैं तो BC क्या रहेगा? हमारा मेजर आर्क रहेगा। देन सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मीन्स बाहर का जितना भी हमको फाइंड करना रहता है, जितना भी एरिया जो रहेगा बाहर का उसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। लाइक जैसे अगर हमको ये पूरा सर्कल पे सपोज कलर करना है तो हमको पहले उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना पड़ेगा कि कितना हमको कलर रिक्वायर है। एंड अगर हमको एरिया फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं? अंदर के हिसाब से एरिया कैलकुलेट करते हैं। देन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है अ सर्कल हैज अ नंबर ऑफ टेंजेंट। मीन्स अगर हम यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? हम जो है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक हम लोग क्या है, अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है अ टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट। मैंने अभी आपको बताया अगर हम ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो जो टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? वो सर्कल को किसी एक पॉइंट से कट करता हुआ जाता है। टेंजेंट की प्रॉपर्टी ही ये है कि वो सर्कल को एक्सटर्नली एक ही पॉइंट पे से एट ए टाइम कट कर सकता है। अगर वो दो पॉइंट या मेनी नंबर्स ऑफ पॉइंट से कट कर रहा है तो वो टेंजेंट नहीं होगा। मीन्स हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। देन अपना सेकेंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे थर्ड क्वेश्चन में दिया है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट अ सिंगल टाइम। मीन्स अगर हम ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सो इसमें हम लोग कितने पैरेलल टेंजेंट, पैरेलल मीन्स आमने सामने होता है, यानी हम कितने पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एक बना लिया, इसके पैरेलल जो है वो सेकेंड वाला यहीं आ सकता है। इसके अलावा हम कहीं भी सर्कल से टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। ड्रॉ तो कर सकते हैं बट पैरेलल जो रहेगा वो क्या रहेगा? एट ए टाइम हम दो ही टेंजेंट एक सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो। देन फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैविंग अ रेडियस 5.5 एंड रेडियस 3.3। मीन्स हमारे पास एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? मीन्स जिसका जो एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल हमने बना लिया, मीन्स जिसका जो मेन पॉइंट होता है या बोलेंगे जो सेंटर होता है वो दोनों का एक ही होता है। मीन्स अगर हम ये वाला छोटा वाला सर्कल देखें तो उसका भी दो जो हमको दिखेगा सेंटर वो ओ रहेगा। एंड जो बड़ा वाला सर्कल का भी अगर हम देखें सेंटर पॉइंट तो उसका भी ओ ही रहेगा। तो उसके बाद हमको दिया हुआ है जो बड़ा वाला सर्कल है, मीन्स ये वाला सर्कल, इसकी हमको रेडियस कितना दिया हुआ है? 5.5। एंड जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस हमको गिवन है 3.3। तो हमको क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। मीन्स ये वाला कितना होगा लेंथ, उसकी फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल में से अगर हम छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, मतलब 5.5 में से अगर हम 3.3 माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा 2.2। मीन्स इन लोग दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? वो जाएगा 2.2। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। मीन्स हमारे पास एक टेंजेंट है, ये इसकी जो लेंथ दी हुई है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है या मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर है। तो उसकी रेडियस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। फिगर को अगर हम ऑब्जर्व करें या उस पर फोकस करें तो हम देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल
ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमको दो साइड गिवन है, तो हम तीसरी साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हमने शॉर्ट में लिख दिया पीटी। हमारे पास टाइम कम रहेगा, विद इन अ वन मिनट हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। इसमें अगर हम देखें तो ये जो है हमारा 90 है, 90 के जो अपोजिट रहता है वो हमारा रहता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स यहाँ हो जाएगा OA का स्क्वायर। हमने कर दिया यहाँ OA का स्क्वायर, किसके इक्वल होगी, दोनों साइड के स्क्वायर के, मीन्स OB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर या AB का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब जिसकी वैल्यू गिवन है हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। OA की जो वैल्यू हमको गिवन है वो है 5, हमने यहाँ लिख दिया 5 का स्क्वायर इक्वल टू OB की जो वैल्यू है वो हमको कुछ नहीं गिवन है, तो हम OB की जगह OB का स्क्वायर ही लिखेंगे। प्लस AB की जो वैल्यू हमको गिवन है वो 4 है, हमने यहाँ 4 लिख दिया, लेकिन स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे। नाउ 5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 25, हमने यहाँ लिख दिया 25। यहाँ जो है वो प्लस में 4 है, यहाँ के माइनस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, हमने यहाँ लिख दिया 16 इक्वल टू OB स्क्वायर। OB स्क्वायर हम ऐसे ही रहने देंगे। 25 माइनस 16 करेंगे तो हमको OB का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, OB का स्क्वायर हमको मिलेगा 9, हमने यहाँ लिख दिया 9। अब इसको क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट में ले लेते हैं, तो OB कितना आ जाएगा, रूट नाइन मीन्स क्या होता है हमारे पास 3, मीन्स जो सर्कल का रेडियस है वो हमारे पास आ जाएगा 3। तो हम जो अपना ऑप्शन ए है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एक फिगर PQR में, हम यहाँ एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक उसमें क्वाड्रिलेटरल बना लिया, यहाँ हमने PQRS, यहाँ हम नेमिंग कर देते हैं इसे एज अ PQRS, हमने नेमिंग कर दिया। ना इसमें बोला है कि जो S है मीन्स एंगल S जो है वो हमको 80 दिया हुआ है, तो Q जो है वो कितना होगा ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, मीन्स अगर एंगल S 80 है तो एंगल Q जो होगा वो भी क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 80 होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है हाउ मेनी सर्कल कैन पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मीन अगर हम नॉन कोलिनियर पॉइंट लेते हैं, सपोज यहाँ हमने 1, 2 और ये 3, हमने ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिया। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पे आए, ये जो है ये हमारे कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। और नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, जो एक पॉइंट पे नहीं होते, लाइक हमने यहाँ ले लिया ये पॉइंट, ये ले लिया ये, तो ये हमारे हो जाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्वेश्चन में हमको गिवन है, हमको पूछा गया है कि कितने सर्कल एट ए टाइम जो है वो ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो इसमें से जो है हम एट ए टाइम एक ही सर्कल बना सकते हैं यूजिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको एंगल ACB इज इनस्क्राइब्ड इन आर्क ACB ऑफ अ सर्कल विद O, मींस हम एक ड्रॉ करेंगे ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या रहेगा, O रहेगा, हमने यहाँ O ले लिया। इफ एंगल ACB कितना है, 65 है, आर्क फाइंड करना है ACB, तो हम यहाँ जो है ABC ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमने ABC ऐसा ड्रॉ कर लिया, ये हमने AB, हम यहाँ नेमिंग कर देते हैं इसे एज अ ABC, हमने यहाँ ABC ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास गिवन है 65, तो हमको बाकी का पोर्शन पता करना है। तो अकॉर्डिंग टू इनस्क्रिप्ट एंगल थ्योरम क्या बोलता है, अगर हमारे 65 है या एंगल दिया हुआ है तो आर्क क्या होगा, उसका एग्जैक्ट डबल होगा। मीन्स हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 आर्क ऑफ ABC, यहाँ हमने लिख लिया ACB, इसकी वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पे 65, हम यहाँ लिख देते हैं 65। ये क्या कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, सो वहाँ आके वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 65 × 2 इक्वल टू आर्क ऑफ ACB, हमने लिख लिया आर्क ऑफ ACB, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 130। अब हम क्या करेंगे, 130 में से अगर हम 360 में से 130 माइनस कर देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं 360 जो होता है वो पूरा सर्कल होता है, अगर उसमें से हम माइनर आर्क का पोर्शन माइनस कर देते हैं, मीन्स अगर हम ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो 360 में से अगर हम 130 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 230। तो हमारा जो आर्क ऑफ ACB रहेगा वो कितना रहेगा, 230 रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं AB and CD, मीन्स हमारे पास ये एक कॉर्ड्स है एंड CD एक कॉर्ड्स है, सेंटर इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं, वो एक पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें AE की वैल्यू दी हुई है 5.6, EB की गिवन है 10, EC या CE की वैल्यू गिवन है 8 एंड ED की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। हमें पता है हम क्या करेंगे, AE × EB करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं AE × EB किसके इक्वल हो जाएगा, CE × CD के, हमने यहाँ लिख दिया CE × ED या
डी वन एट द सेम थिंग, ए ई की वैल्यू हमको गिवन है 5.6, हम यहाँ लिख देते हैं 5.6 इंटू ई बी की वैल्यू गिवन है हमको 10, हमने यहाँ लिख दिया 10 इक्वल टू ई सी की वैल्यू हमको गिवन है 8, तो हम यहाँ लिख देते हैं 8 इंटू ई डी की वैल्यू हमको जो है वो फाइंड करना है, तो हम ई डी की जगह ई डी ही रखेंगे। नाउ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56, हमने यहाँ लिख दिया 56, 8 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ डिवाइड करेगा इक्वल टू ई डी। नाउ ई डी की वैल्यू अगर हम इसे कट करेंगे 8 1 8 8 7 हो जाएगा 56, मीन्स ई डी की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 7। सो हमारा ऑप्शन जो बी रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। टेंथ क्वेश्चन को, टेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। एक्सटर्नली टच कर रहा है, मीन्स बाहर से टच कर रहा है, ये हमने अपना एक सर्कल बना लिया, अब हम दूसरा सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सटर्नली टच कर रहा है मीन्स हमने उसे एक्सटर्नली टच करवा दिया। नाउ हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ये पहला टेंजेंट जो दोनों सर्कल को टच कर रहा है। नाउ हम यहाँ पे ऐसा सेकेंड टेंजेंट भी बना सकते हैं जो दोनों सर्कल को टच करता हुआ जाए, एंड ये हम यहाँ से तीसरा ड्रॉ कर लेते हैं। इसके अलावा हम नहीं बना सकते, इससे ज्यादा हम टेंजेंट्स नहीं ड्रॉ कर सकते, बिकॉज अगर हम यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे तो ये जो है ये सिर्फ एक सर्कल को टच करेगा, या अगर हम यहाँ कहीं से भी, तो हमको क्या बोला है जो दोनों टेंजेंट्स, मतलब हमें ऐसा टेंजेंट्स देखना है जो दोनों सर्कल को टच करे, तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, ऐसे तीन ही टेंजेंट्स हो सकते हैं जो दोनों सर्कल को एट ए टाइम टच कर सकते हैं। मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में हमको दिया हुआ है लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम अ पॉइंट विच इज ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। हम यहाँ एक अपना सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, हम इसे सेंटर ले लेते हैं ओ, हमने यहाँ सेंटर ओ ले लिया। लेंथ ऑफ टेंजेंट हम यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ये थोड़ा सा मिस हो गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है 12 सेंटीमीटर, हमने यहाँ लिख दिया 12 सेंटीमीटर। एंड पॉइंट ऑफ ये जो है ये हमको दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर, हमने यहाँ लिख दिया। सो हमको क्या फाइंड करना है, हमको डायमीटर फाइंड करना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। अगर हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डायमीटर फाइंड हो जाएगा। तो हम रेडियस फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम फिगर में ऑब्जर्व करें तो ये जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमको यहाँ पर भी दो साइड दी हुई है, तो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने इसे पहले नेमिंग कर दिया ये ओ, यहाँ हम ए ले लेते हैं, ये पॉइंट को बी ले लेते हैं। ओ बी जो है वो क्या कर रहा है, 90 के सामने आ रहा है, मीन्स ये हमारा हाइपोटेनियस साइड है। हम यहाँ लिख देते हैं ओ बी का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ ए के स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, हमने यहाँ लिख दिया। नाउ ओ ए स्क्वायर हमको गिवन है, ओ बी स्क्वायर हमको गिवन है 12.5, हम यहाँ लिख देते हैं 12.5। उसका स्क्वायर बोला है तो हम यहाँ पर भी क्या स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल टू ओ ए, मीन्स ओ ए का स्क्वायर हमको खुद फाइंड करना है, तो हम इसे एज इट इज ही रहने देते हैं। प्लस ए बी, ए बी की वैल्यू हमको गिवन है 12, तो हमने यहाँ लिख लिया 12 का स्क्वायर। नाउ 12.25 का जो स्क्वायर होता है वो 156.25 होता है, हमने यहाँ लिख लिया 156.25। ओ ए का स्क्वायर तो हमको पता नहीं है, तो हम ओ ए के जगह वही रखेंगे। एंड 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144, हमने यहाँ लिख दिया 144। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देते हैं 156.25 माइनस, हम पहले यहाँ लिख लेते हैं 156.25 माइनस क्या करेंगे हम 144 को, माइनस 144 यहाँ प्लस में था तो वहाँ के माइनस हो जाएगा। ओ ए स्क्वायर हमारे पास एज इट इज ही रहने वाला है। नाउ इसे हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलने वाला है 12.25, हम यहाँ लिख देते हैं 12.25। अब अगर हम इसे रूट में ले लेते हैं, मीन्स यहाँ ओ ए तो एज इट इज रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ओ ए मिल जाएगा हमको 3.5, मीन्स हमको ये रेडियस की वैल्यू मिल गई 3.5, ये हमारा रेडियस था। हमें रेडियस मिल गया तो हम इजीली डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। अगर हम 2 टाइम्स ऑफ ओ ए करते हैं, यानी 3.5 इंटू 2 करते हैं, 3.5 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 7, मीन्स हमारे जो डायमीटर की वैल्यू है वो कितनी है, 7 है। तो हमारा ऑप्शन ए जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन देखते हैं अपने 12th क्वेश्चन को। 12th क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है अ सर्कल टच ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, मीन्स एक हमारे पास सर्कल है वो क्या कर रहा है, पैरेललोग्राम जो है उसको टच कर रहा है, मीन्स हम एक ऐसा पैरेललोग्राम बना लेते हैं। वो क्या हो सकता है, वो रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, या ट्रेपीजियम हो सकता है। तो हम जो है एक पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। अगर हम रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ भी करेंगे तो जो है ये सर्कल को चारों तरफ से या चारों पॉइंट से टच तो नहीं कर सकता, तो मीन्स हमारा पहला ऑप्शन तो रॉन्ग ही होगा। देन हम एक रोम्बस बना लेते हैं, हम एक ऐसा रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम ऐसे रोम्बस ड्रॉ करते हैं तो जो सर्कल है वो चारों पॉइंट से टच करेगा, मीन्स हमारा जो ऑप्शन बी रहेगा वो करेक्ट रहेगा, यानी जो रोम्बस है वो क्या कर सकता है, सर्कल को चारों पॉइंट से एक्सटर्नली
टच कर सकता है या एक पॉइंट पे कट कर सकता है। नाउ 13th क्वेश्चन, 13th में हमको ओ एम ए मीन्स हमको ओ एम ए ये वाला जो एंगल है एम हमको क्या करना है फाइंड करना है। अगर एम ओ ए मीन्स एम ओ ए यानी ये ओ एंगल हमको कितना गिवन है, ओ एंगल हमको गिवन है 60, तो ए एम क्या है, ए एम जो है वो टेंजेंट है। अगर हम इसे देखें तो ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मीन्स होता है 90 डिग्री। अगर हमारे पास ये 90 है ये 60 है मीन्स ये 30 होगा, बिकॉज हमारे पास एक ट्राइंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। अगर हम 90 प्लस 60 करें तो हम प्लस हम एंगल एम एज इट इज ही रहने देते हैं, तो हमको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 180। नाउ 90 प्लस 60 करेंगे तो हमारे पास हो जाता है 150 प्लस एंगल एम हम ऐसे ही रहने देते हैं इक्वल टू 180। नाउ ये जो है यहाँ प्लस कर रहा है वहां आके वो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 150 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। मीन्स हमारा एंगल एम जो है वो कितना रहेगा, 30 डिग्री का रहेगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन हमारा 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एम पी एन मीन्स एम पी एन में जो पी है वो हमको 30 दिया हुआ है, तो हमको जो क्यू एंगल है वो फाइंड करना है। सो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जैसा है, हमको पता है क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 का होता है। ये जो है ये हमारे पास एंगल है 90, ये भी जो है वो 90 गिवन है, यहाँ जो है वो 30 है, हम जो उसे ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 30 प्लस 90 प्लस 90 एंड ये जो है एंगल क्यू हम ऐसे ही रखते हैं, एंगल क्यू इक्वल टू 360 ये हमने लिख दिया एंड ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 210 इक्वल प्लस एंगल क्यू इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 360। नाउ 360 माइनस 210 करेंगे हम, यहाँ कर देते हैं 360 माइनस 210 हमको कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 150। मीन्स हमारा एंगल क्यू जो रहेगा वो रहेगा 150 एंगल का, 150 डिग्री का। देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर हमको एंगल ओ फाइंड करना है। अगर हमको एम गिवन है 30 तो हम पहले अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमको दिया हुआ है 30। अगर ये 30 है ये जो एंगल हमारे पास 90 है तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 60 हो जाएगा, क्योंकि तीनों मिला के हमारे पास कितने टोटल एंगल जो होता है मेजरमेंट उसका होता है 180। अगर हम 90 प्लस 30 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 120। नाउ 120 में से अगर हम 180 को माइनस कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60। मीन्स हमारा जो बी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा, मतलब हमारा जो एंगल ओ रहेगा या ए ओ एम रहेगा वो जो रहेगा वो हमारे पास रहेगा 60 डिग्री का। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर।